अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टिक। दोस्तों, जहां रियलमी जैसा ब्रांड मार्केट पर अपनी ग्रिप बनाना चाह रहा है, 3GB 32GB कुछ 22-23 हज़ार रुपये की रेंज में दे रहा है, वहीं रियलमी का जो पेरेंट ब्रांड है ओप्पो, जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ ओप्पो की, ओप्पो लॉन्च कर रहा है अपना एक बजट रेंज का फ़ोन ओप्पो A1K। जी हाँ दोस्तों, इसकी प्राइस रखी गई है 21,000 रुपया, 2GB 32GB रैम और रोम का वेरिएंट है। आज की इस वीडियो में करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं क्या वाकई ही ओप्पो A1K अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है कि नहीं। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, आज इस वीडियो में गिव अवे है ऑनर के इस ब्लूटूथ स्पीकर का और टर्म्स एंड कंडीशन आपको एंड पर मैं बता दूंगा। बात करते हैं ओप्पो A1K की। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की अनबॉक्सिंग। लेट्स जंप टू द अनबॉक्सिंग। ओके जी, ओप्पो A1K का ऐसा मिलता है बॉक्स, ऊपर की साइड पर ओप्पो का बना हुआ है A1K और ओप्पो की ब्रांडिंग है यहाँ भी एज यूजुअली, जैसा कि ओप्पो के सारे ही बॉक्स में मिलता है। रियर साइड पर मेंशन किया गया है इसके बैटरी साइज़ को, 4000 mAh की बैटरी, साथ ही 6.1 HD+ का रेजोल्यूशन, वाटर ड्रॉप स्क्रीन है जी, 32GB का रोम है इस फ़ोन के अंदर, और मैं बता दूँ कि ये 2GB और 32GB वाला वेरियंट है। कलर ऑपरेटिंग सिस्टम 6 मिलता है आपको, जो लेटेस्ट कलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ बाकी बॉक्स की ब्रांडिंग में कुछ भी कोई ऐसा खास नहीं है। फ़ोन का हम रैपर कट कर लेते हैं, तो यहाँ रैपर उतर चुका है ओप्पो A1K का, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम रखा गया है। सबसे पहले ऊपर एज यूजुअली वही ओप्पो का एक एनवेलप, और अगर हम इस एनवेलप को ओपन करते हैं हमें मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल जो कि सिम निकालने के काम आता है, और यहाँ मिलता है जी हमें एक सिलिकॉन कवर एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि हर फोन में आता है सिलिकॉन कवर, थोड़ा सा थिक क्वालिटी का है, और मैनुअल्स मिल जाती हैं जो कि शायद कोई नहीं पढ़ता, और इसी में ही आपको एक वारंटी कार्ड मिलता है। उसके बाद आ जाता है ओप्पो A1K, यहाँ कुछ इस तरह का आपको फ्रॉस्टेड पेपर मिलता है इस फ़ोन के अंदर, और अगर फ़ोन को हम बाहर निकालें तो यहाँ आपको मिलता है ओप्पो A1K प्री अप्लाइड पेपर मिलता है स्क्रीन पर। डायमेंशंस की बात कर लें, ड्यू ड्रॉप नॉच, वाटर ड्रॉप नॉच या डॉट नॉच, सारे ही नॉच नॉच है। यहाँ स्पीकर ग्रिल रखी गई है, यहाँ रखा गया है ऑन ऑफ की को, और इस तरह करके ऑन हो जाता है। यहाँ आपको वॉल्यूम रॉकर कीज़ मिल जाती हैं, साथ ही हम सिम जैकेट की बात करते हैं जो कि वॉल्यूम रॉकर कीज़ के ऊपर मिल जाती है। अगर सिम जैकेट की बात की जाए तो इस फ़ोन के अंदर आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट भी मिल जाएगी, मीन्स कि आप दो सिम्स के साथ एक मेमोरी कार्ड को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ अगर बॉटम की बात की जाए, हैंड्स फ्री का जैक, माइक मिल जाता है, और आपको यहाँ मिल जाती है 2.0 माइक्रो USB की कनेक्टिविटी, लेकिन किसी किस्म का भी फास्ट चार्ज नहीं मिलता, 4000 mAh की बैटरी है। यहाँ स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, और यहाँ कुछ डिज़ाइन फ्रेम का अलग से रखा गया है। अगर आप नोटिस कर पाए, अगर मेरा कैमरा प्रॉपर फोकस कर पाए, तो यहाँ कुछ अलग किस्म का डिज़ाइन आपको एक नज़र आएगा, और रियर साइड पर आपको कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर की कोई भी पोजीशन नहीं मिलती। मैट फिनिशिंग है, थोड़ा सा बेहतर स्टफ समझूंगा, जल्दी स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। यहाँ एक सिंगल कैमरा और रिंग रखा गया है, कुछ डुअल कैमरा सेटअप टाइप का, लेकिन एक कैमरा मिलता है आपको रियर साइड पर जो कि 8 MP का है। यहाँ मिल जाती है आपको एक लाइट और रिंग मिलता है गोल्डन वाला, और ऊपर की साइड पर कोई भी नॉइस कैंसलेशन माइक नहीं रखा गया। ये बात होगी डायमेंशन की, फ़ोन को हम रखते हैं साइड पर। बात करते हैं यहाँ पर बाकी बॉक्स के अंदर क्या मिलता है। इस तरह का कागज़, एक केबल माइक्रो USB की एज यूजुअली, जैसा कि ओप्पो के सारे ही चार्जर के साथ मिलती है, और यहाँ मिल जाता है हमें चार्जर। और चार्जर की रेटिंग की बात करें तो ये चार्जर जो है ये 5W 2A 10W का चार्जर है, जो कि मैं ये बेहतर समझूंगा, क्योंकि यहाँ अगर ओप्पो के अलावा वीवो को देखा जाए या वावे को देखा जाए तो 1.5A या 1A का चार्जर आता है। बात होगी चार्जर की, अब फ़ोन को करते हैं एक्टिवेट। तो फाइनली ओप्पो A1K ऑन हो चुका है। यार ये वॉलपेपर बहुत ज़बरदस्त डाला है। यहाँ अगर स्पेसिफिकेशन की बात की जाए इस फ़ोन की, यहाँ आपको डिस्प्ले मिलता है 6.1 इंचेस का, वाटर ड्रॉप नॉच वाला, या बेजल्स भी काफ़ी कंट्रोल किए गए हैं इसके फ़ोन के अंदर, और यहाँ आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन मिल जाती है, जो कि एक प्लस पॉइंट बन जाता है इस फ़ोन को सेल करने के लिए। और अगर बात की जाए यहाँ कैमरा स्पेसिफिकेशन की, जैसा कि मैंने पहले बताया, आपको फ्रंट साइड पर मिलता है 5 MP का सेल्फी कैमरा,
यहाँ रियर साइड पर आपको मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा, यहाँ अपर्चर रखा गया है 2.2, मैं ये कहूँगा यार 13 मेगापिक्सल का सेंसर सारे ही ब्रांड्स इस रेंज में दे रहे हैं, पता नहीं ओप्पो को क्या सूझी कि ये दे रहा है आपको 8 मेगापिक्सल का सेंसर, काफ़ी खूबसूरत लुक है, लेकिन रियर साइड पर कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिल रहा आपको। और अगर बात की जाए फ्रंट साइड की अपर्चर की, तो 5 मेगापिक्सल का अपर्चर यहाँ 2.0 है। और अगर बात कर ली जाए थोड़ी सी कैमरा क्वालिटी की, तो यहाँ आपको अनबॉक्स करते ही ये कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि कलर ऑपरेटिंग सिस्टम साथ में ही मिल रही है। वीडियोस की ऑप्शन मिल जाती है और वीडियोस यहाँ 1080p 30fps पर आप रियर से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और कुछ फ्रंट वाली साइड की बात करते हैं, तो फ्रंट साइड पर भी आप 1080p 30fps पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और एक दो पिक्चर्स मैं खींच लेता हूँ, यार मुझे इस फ़ोन का कैमरा इतना बेहतर नहीं लगेगा, लेकिन इस फ़ोन में आपको पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा। बेसिकली ये जो प्रोसेसर है हीलियो P22, ये सपोर्ट करता है ऑप्शंस को, जो AI की ऑप्शंस हैं थोड़ी सी। और यहाँ कुछ भी आपको स्लोमो वाला ऑप्शन नहीं मिलता। और अगर रियर साइड की वीडियोस की बात कर लें, तो यहाँ भी आपको बस पैनोरामा एक्सपर्ट और टाइम लैप्स का ऑप्शन मिल जाता है, कोई भी ऑप्शन आपको स्लो मोशन वाली नहीं मिलती। हालांकि इस रेंज में Y91C आता है, जिसमें आपको मिल जाती है कुछ ऑप्शन स्लो मोशन वाली। और रियर साइड के 8 मेगापिक्सल सेंसर की बात करें, तो कुछ इस तरह की निकलती हैं पिक्चर्स। मैं पोर्ट्रेट से भी एक शॉट ले लेता हूँ, ताकि हम पोर्ट्रेट भी इस फ़ोन का चेक कर पाएँ। तो यहाँ कुछ पिक्चर्स इस तरह की हैं रियर कैमरा से, ठीक है, इंडोर लाइट्स में कलर्स काफ़ी बेहतर हैं रियर कैमरा से। और ये कुछ नॉर्मल मोड में ली गई है, और ये पिक्चर ली गई है फ्रंट कैमरा से, काफ़ी ज़्यादा नॉइस है अगर आप नोटिस कर पाएँ तो, प्रॉपर एज नहीं डिटेक्ट करता। बहरहाल बजट रेंज का फ़ोन है, इस रेंज का जो कंज्यूमर है मेरे हिसाब में वो कैमरा को इतना मॉनिटर नहीं करता। बात कर लेते हैं इस फ़ोन के प्रोसेसर की, तो यहाँ आपको मिल जाता है 2.0 ऑक्टा कोर प्रोसेसर हीलियो P22, जो कि 12 नैनोमीटर बेस्ड है। मीडियाटेक का ये प्रोसेसर है 6762 वाला, जिसका नाम हीलियो P22 भी जाना जाता है। और यहाँ अगर GPU की बात करें, पावर VR ROG 8320 वाला आपको मिल जाता है। अगर इस फ़ोन के बेंचमार्क स्कोर्स की बात की जाए, तो सिंगल कोर हमें मिलता है 790 का, और 2819 का स्कोर मिलता है हमें मल्टी कोर्स पर, इतना बेहतर स्कोर नहीं कहूँगा। और अगर आप PUBG वगैरह खेलते हैं, और यहाँ अगर आपको चाहिए Asphalt 9 के लिए ये फ़ोन, तो कभी भी मैं रेफ़र नहीं करूँगा। नॉर्मल यूजेज के लिए, कॉल यूजेज के लिए, या सोशल मीडिया कुछ ऐप्स यूजेज के लिए ये फ़ोन काफ़ी बेहतर रहेगा। IPS डिस्प्ले है इस फ़ोन का, और कलर्स काफ़ी ठीक है। और अनबॉक्स करते ही हम थोड़ा सा रैम मेमोरी और रैम की भी बात कर लेते हैं इस फ़ोन के अंदर। तो यहाँ अनबॉक्स करते ही इस फ़ोन के अंदर आपको मिल जाता है डिवाइस नेम ओप्पो A1K, कलर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 6.0, एंड्रॉयड 9 मिल रहा है इस फ़ोन में, और 2GB की रैम है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, 32GB का रोम मिलता है, और 32GB में से टोटल आपको अवेलेबल स्पेस जो है अनबॉक्स करते ही 20GB की मिल रही है। और यहाँ सिक्योरिटी पैच लेवल जो है वो 5 मार्च 2019 का मिल रहा है। बैटरी इस फ़ोन की 4000 mAh की रखी गई है, जो कि मैं समझूंगा काफ़ी ज़्यादा बेहतर बैकअप देगी इस डिस्प्ले के साथ। ओवरऑल हैंड फील इस फ़ोन की काफ़ी बेहतर है। इस फ़ोन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर की कोई भी ऑप्शन नहीं मिलती। फेस अनलॉक रखा गया है, और फेस में ऐड कर चुका हूँ। और फेस की ज़रा अगर स्पीड की बात कर ली जाए, तो कुछ इस तरह से करता है काम, और ये यहाँ ऐसा कुछ करता है काम। और आप अगर नोटिस कर पाएँ, तो यहाँ एक थीम आती है अनलॉक करने से पहले, जो कलर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 6 में आती है, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है। आप मैनुअल भी इसको अनलॉक कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर का बस आपको ऑप्शन नहीं मिलता। हेडफील ठीक है, साइज़ बड़ा ज़बरदस्त रखा गया है, लेकिन थोड़ी सी ओवर प्राइस कर गया ओप्पो। अगर इस फ़ोन की 18 से 17 हज़ार प्राइस रखता, तो काफ़ी ज़्यादा एक बेहतर फ़ोन था। लेकिन इस रेंज का ओप्पो का ये पहला ड्यू ड्रॉप नॉच या वाटर ड्रॉप नॉच वाला फ़ोन है। आपको कैसा लगा A1K? मुझे बेसिकली प्राइस पसंद नहीं आई, फ़ोन ठीक है, एक बजट रेंज के अंदर होता तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर था। आपने मुझे बताना है क्या ये फ़ोन आपको प्राइस जस्टिफाई करता हुआ नज़र आता है कि नहीं। तो अब हम बात कर लेते हैं आज के गिव अवे की। ऑनर का ब्लूटूथ स्पीकर है, बेसिकली ओप्पो की अनबॉक्सिंग में मुझे देना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं आपसे कमिटमेंट कर चुका था कि रमज़ान में आपको मेरे चैनल पर गिव अवे पर वीक 3 मिलेंगे। तो ऑनर का ब्लूटूथ स्पीकर है, और इस ब्लूटूथ को अगर हम अनबॉक्स करें फटाफट से, तो कुछ हमें इस तरह का मिलता है बॉक्स। ऊपर की साइड पर ऑनर मेंशन है, रियर पर बिल्ट इन 600 mAh की आपको लिथियम आयन बैटरी मिलती है, कंपेटेबल विद ऑल मेजर स्मार्टफोन, 3.5mm का आपको ऑडियो केबल भी मिल जाता है, फोन ब्रैकेट डिज़ाइन टाइप का आपको कुछ मिलता है। प्रोडक्ट नेम है जी ब्लूटूथ स्पीकर ब्लू कलर, और मॉडल है i5। बाकी कुछ बात करते हैं इसको खोल के, तो यहाँ ये फोन जो है ब्लूटूथ स्पीकर ये आ चुका है रैपर से बाहर, और इस तरह का मिलता है रैपर, और ये शेप है जी ब्लूटूथ की। और अगर इस ब्लूटूथ स्पीकर का हम थोड़ा सा साउंड क्वालिटी की बात करें, पहले बॉक्स के कंटेंट की बात करते हैं, सॉरी
यहाँ आपको मिल जाती है केबल और इस तरह की मैनुअल बुक, कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं मिलती हैं इसके अंदर। और ये शेप है जी, इस तरह आपको ये मिल जाता है और ये कार के डैशबोर्ड वगैरह पे भी आप लगा सकते हैं और इसको इस तरह करने पेस्ट करने की भी ऑप्शन है। अगर आप किसी शीशा वगैरह पे लगाना चाहें तो पेस्ट कर सकते हैं। हम इसका साउंड चेक कर लेते हैं। अगर बात की जाए इस स्पीकर की क्वालिटी की तो आपको साउंड प्ले कर देते हैं। इस तरह का मिल जाता है कुछ वॉल्यूम, यार क्वालिटी काफ़ी बेहतर है और देखते ही हैं कि आप खुशनसीब कौन होता है। तो गिव अवे की टर्म्स एंड कंडीशन आपको एंड में बताते हैं। अब चलते हैं आप अपने एंड की तरफ। ओके जी फ्रेंड्स, ये थी अनबॉक्सिंग ओप्पो A1K की। यार 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा रखा गया, उसका भी अपर्चर 2.2 है और फ्रंट पर 5 मेगापिक्सल का कैमरा। ठीक है, डिस्प्ले थोड़ा सा बेहतर है, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन है, 4000 mAh की बैटरी है, लेकिन अगर देखा जाए तो आप ही का सब ब्रांड रियलमी इस रेंज के अंदर काफ़ी बेहतर स्पेसिफिकेशन दे रहा है। तो यार अगर इसकी प्राइस होती 16 से 17 हज़ार तो मैं बिल्कुल अपने व्यूअर्स को कह सकता था कि आप ये फ़ोन बाय कर सकते हैं, बट इस प्राइस के अंदर मुझे बहुत सारी ऑप्शन नज़र आती हैं जो मैं अपने व्यूअर्स को सजेस्ट कर सकता हूँ। ओप्पो A1K अगर प्राइस होती 16-17 हज़ार तो आप कंसीडर कर सकते थे बाइंग के लिए, लेकिन फिलहाल मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको ये बाय करना चाहिए इस रेंज के अंदर, आपको और बहुत सारी चॉइसेस मिल जाती हैं। अब बात कर लेते हैं गिव अवे की। तो गिव अवे है ऑनर के इस ब्लूटूथ स्पीकर का। यार अनबॉक्सिंग है ओप्पो की लेकिन गिव अवे ब्लूटूथ का स्पीकर है। खैर ऑनर का ब्लूटूथ स्पीकर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रमज़ान के एवरी वीक में हम 3 गिव अवे लेके आएंगे। गिव अवे की टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत सिंपल सी हैं। इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, शेयर किसी भी प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी जगह पर, और नीचे कमेंट करना है एक क्या वाकई ही ओप्पो A1K इस रेंज के अंदर बेहतर चॉइस है कि नहीं। हम रैंडम कमेंट पिकर से एक विनर को पिकअप कर लेंगे आफ्टर अ वीक और उसके बाद हम अनाउंस कर देंगे कि इस ब्लूटूथ स्पीकर का कौन है विनर। अब देखना यह है कि कौन जल्दी जल्दी से इस स्पीकर को जीतना चाहता है। और अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, फेसबुक पर लाइक कर लें, आगे हम जाके बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर भी एक्टिव होने वाले हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ अली अब्बास, मास्टेक से पाकिस्तान, पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।